हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ वर्मा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स को और आज मैं आया हुआ हूं रामलीला मैदान। तो आज दशहरा का दिन है, आज रावण दहन होगा और आज ही के दिन बताया जाता है श्री रामचंद्र जी जो है रावण का वध करके और अयोध्या की तरफ रवाना होते हैं। तो अयोध्या की तरफ जब जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तो आज से लगभग 16-17 दिन के बाद अयोध्या पहुंचते हैं। तो वहाँ अयोध्यावासी सब बहुत खुश होते हैं और उनका दीप जलाकर स्वागत करते हैं और वहीं से दीपावली का शुभ अवसर स्टार्ट होता है। तो यहाँ मेरी आवाज़ साफ नहीं आई आ रही होगी आप तक, क्योंकि यहाँ जो है प्रोग्राम चल रहा है, जिससे जो बाहर के गायक वगैरह आए हैं पंडित जी, तो उन्हीं के द्वारा जो है प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोगों को मैं आवाज़ तो नहीं अपनी जो है बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना है। रामलीला मैदान के बारे में पूरी जानकारी दिखाऊंगा और कैसे यहाँ प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। आराम से आइए, आप लोग मेला देखिए और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखिए और उसके द्वारा आनंद लीजिए घर पर ही बैठकर। अगर जो नहीं आना चाह रहा है तो मेरे ब्लॉग को देखिए और आनंद लीजिए। उसका विराजमान होकर के अपनी शोभा बढ़ाए, क्योंकि अभी कुछ क्षणों में लाइव कास्ट होने वाली है। इधर जो रहेंगे तो आपकी फोटो टीवी पर नहीं चलेगी, वहां पर आप नहीं जमा करो। महिलाओं को बैठने के लिए और ज्येष्ठ परिवार को बैठने के लिए ये अलग अलग सुनिश्चित की गई है जगह। बच्चे कुर्सी में बैठेंगे, आप लोग देख रहे हैं बहुत तो बड़ा मैदान है रामलीला मैदान और मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए जो है मैं दिखाने का सिर्फ काम करूंगा, पूरा मैदान दिखाऊंगा और कैसे रावण दहन होने में अभी काफी वक्त है। तो यहाँ जो पहले प्रोग्राम चल रहा है उसी को आप देखिए, आनंद लीजिए और वीडियो के अंत तक रहना और आनंद लीजिए, देखिए पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा। वो जो उधर सामने टेंट लगी है वहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं और यहाँ कुछ यहाँ अभी चेयरमैन आएंगे, गोला के चेयरमैन, उनके द्वारा ही प्रोग्राम का उद्घाटन किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा मैदान, जो अभी तो इन्होंने बाउंड्री खींच दी है एक रस्सी से बांधकर चारों तरफ, तो मैदान के अंदर अभी किसी का प्रवेश नहीं हो रहा है, प्रवेश वंचित है। और ऐसा बताया जाता है कि आज ही के दिन श्री रामचंद्र भगवान रावण का वध किए थे और रावण का वध करके आज ही के दिन विभीषण को लंका का राजा स्थापित करके बनाकर वहां से रवाना होते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या में पहुंचते हैं लगभग 16-17 दिन के बाद, तो वहां जो दीप जलाकर अयोध्यावासी उनका स्वागत करते हैं और भव्य समारोह करते हैं, गायन होता है। तो उसी दिन से दीपावली का जो त्यौहार है मनाया जाने लगा। और एक बात, जैसे हिंदू में एक ऐसी जाति है थारू जनजाति जो दीपावली के दिन शोक मनाती है, उनका कुछ रहा होगा, उसका इतिहास हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानकारी है कि वो लोग दीपावली के दिन शोक व्यक्त करते हैं। हो सकता है वो जनजाति रावण के वंशज रहे हों, क्योंकि थारू जनजाति किराती वंशज से बिलोंग करती है, तो हो सकता है रावण भी उसी वंश का हो और इसीलिए शोक मनाते हो रावण के वध पर। बस इतनी मुझे जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है। आप लोग आनंद लीजिए, मेला देखिए और मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है उसका पूरा वाच करना है, पूरा देखना है। और अभी अंदर जो ग्राउंड बना है उसमें प्रवेश करना वर्जित है और मैं बैक कैमरे से ही आप लोगों को दिखा पा रहा हूं, क्योंकि अपनी
अगर जो अपनी शक्ल दिखाऊंगा तो जो है यहाँ फोर्स भी लगी हुई है, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है। चारों तरफ यहाँ फोर्स तैनात है, तो जैसे तैसे करके मैं वीडियो बना रहा हूँ आप तक पहुँचाने के लिए, जानकारी देने के लिए। आप लोग लास्ट तक देखना, और वो जो सामने देख रहे हैं पंडाल लगा है, बहुत काफ़ी दूर पे पंडाल लगा हुआ है, तो वहाँ जो झांकी वगैरह दिखाई जाएगी रामचंद्र भगवान की, तो वहीं सब स्थापित है, वहाँ राम सीता। आओ देखते हैं अंदर, अगर दर्शन करने देंगे तो दर्शन कराते हैं। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला है। बाबा सुरेश ठाकुर का मंच की बाई और रामलीला समिति के पदाधिकारियों के लिए जो मंच सुनिश्चित किया गया है उस पर बैठ करके शोभा बनाए, क्योंकि अभी चंद मिनटों में लाइव कास्ट की व्यवस्था की जा रही है और मंच के ठीक सामने महिलाओं को बैठने के और हम सबको आदेश प्राप्त है उनके आदेशानुसार। जो राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं और ये हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो इन्हीं के द्वारा रावण वध किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ। दर्शकों से निवेदन यह करना चाहूंगा कि कोई भी दर्शक इस मेला परिसर में जहां श्री राधा रानी दास लीला मंडल से पधारे कलाकारों का मंचन होगा उसके बीच में नहीं आएगा। चलते हैं बस, बड़ा हो रहा है, आप यहीं पे एंड करते हैं, समापन करते हैं। अभी रावण वध में बहुत वक्त लगेगा, अभी यहाँ प्रोग्राम होगा तो रावण वध तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप पूरा आनंद लीजिए। जो व्यवस्थाएं की गई हैं मेरे द्वारा, आप लोगों को जानकारी दी गई उनकी, सभी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चल रही हैं और प्रशासन भी यहां तैनात है मुस्तैदी से। कोई जो कोई ऐसा जो माहौल नहीं बिगड़े जिससे जो है मेला में अशांति फैले, इसी कारण जो है प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा मुस्तैदी से तैनात किया गया है। और मैं यहीं पे आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।